पाकिस्तान है अमॉरल टाउन केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नई जीआईटी के क्याम के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार बेंच के सरपराह होंगे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी बेंच का हिस्सा होंगे। बाकी 3 जजेस का ताल्लुक दीगर सूबों से होगा। 5 दिसंबर से समाज शुरू। सानिया मॉडल टाउन केस में नई जीआईटी बनाने का मामला शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने लिख कर दिया है कि वो पेश नहीं होना चाहते। डीजी नैब सलीम शहजाद, केस की दोबारा तफ्तीश के लिए नई जीआईटी तश्कील दी जाएगी। डॉक्टर ताहिर कादरी की अदालत से इस्तदा, तैयारी के लिए वक्त दरकार है। शहबाज शरीफ के वकील अजीम नजीर ने अदालत से वक्त मांग लिया। गुल्लू भट्ट भी अदालत पेश, मेरा कोई कसूर नहीं, जो चीफ जस्टिस हुक्म देंगे वो कबूल होगा। गुल्लू भट्ट दौरान समाअत तस्बीह करता रहा। सानहा मॉरल टाउन के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरा, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक, अदालत के बाहर शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील। लार्जर बेंच बनाने के फैसले पर अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खैर मकदम, इंसाफ के लिए सारी उम्र भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे। खुरम नवाज कंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगु। पैरागन हाउसिंग स्कैंडल सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन बट एहतसाब अदालत पेश, नैब की अदालत से मुलजिम की 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा। कैसर अमीन बट 4 रोज से नैब की तहवील में थे। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के बेटे के मामले का ड्रॉप सीन, पुलिस का यू टर्न, हसन महमूद समेत तमाम अफराद बेगुनाह, पुलिस एहलकार ही कसूरवार करार। एहलकार नदीम इकबाल, उस्मान मुश्ताक और उस्मान सईद पर महकमे की बदनामी का लगा दिया गया दाग। पुलिस वालों ने 20,000 रुपए की रकम छीनी और मजीद 50,000 लेने का मुतालबा किया। एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज, स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार। नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश। जर्राए सीनियर सहाफी हुसैन नकी की तस्दीक का मामला ज्वाइंट एक्शन कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रूबरू पेश। हुसैन नकी आपके उस्ताद हैं तो वो हमारे भी उस्ताद हैं, हमारी कोई अना नहीं, हुसैन नकी की दादरसी के लिए हाजिर हैं। आप चाहते हैं हुसैन नकी को दोबारा बोर्ड में शामिल कर दें, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हुसैन नकी साहब बहुतों से बालातर हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल की बहाली, चीफ जस्टिस ने हस्पताल की अराजी पर कब्जे खत्म करवाने का हुक्म दे दिया। हस्पताल खंडर बन गया है, ना बिजली है ना ही डॉक्टर्स। जस्टिस मियां साकिब निसार ने 4 बजे बहाली कमेटी की मीटिंग तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का डीजी सीमेंट को 10 करोड़ रुपए डैम फंड में जमा करवाने का हुक्म दिया और डीजी सीमेंट वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हमने पानी बारिश से जमा किया, सीमेंट फैक्ट्रीज का पानी बंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही 2 रुकनी बेंच की कटास राज और जमीन से पानी निकालने पर सीमेंट फैक्ट्रीज के खिलाफ केस की समाअत। लड़की को अगवा करने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी ने IG पंजाब समेत दीगर हुकाम से 27 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। CIA पुलिस ने बेटी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, अदालत बाजियाब करवाने का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तमाम अस्पतालों में अमले की बरवक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। तिबी मराकज में स्टाफ की हाजिरी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद वजीर सेहत की जेर सदारत महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के इजलास में अस्पतालों में हाजिरी और अद्वियात की खरीदारी के मामलात का जायजा लिया गया। नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर दिन सरशार। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। झंडियां, बर्फी कुमकुमे और दीगर सामान, दंपत रोड पर सजावटी अशिया खरीदने वालों का रश, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद उमड़ आई।
अलहमरा में आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस, सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन, डायरेक्टर जनरल वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, सेक्रेटरी औकाफ जुल्फकार घुमन, खतीब बादशाह मस्जिद अब्दुल खबीर आजाद, ताहिर अशरफी समेत दीगर उलमा कराम की शिरकत। और अदब, सकाफत, सहाफत और सियासत के रंग बखेरने के बाद फैस मेले का अहतमाम। फेस्टिवल कई हसीन यादें छोड़ गया। भारतीय अदाकारा शुबाना आजमी और जावेद अख्तर समेत कई गैर मुल्कियों ने फेस्टिवल को रौनक बख्शी। अदीबों, शायरों और फनकारों ने खुलकर इजहार ख्याल किया। गीत, साज, आवाज और रक्स ने अलग सा मांगा।